नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। ये देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर नाले में पलट गई शादी से लौट रही कार। हादसे में गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौके पर हुई मौत। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा सरकारी अस्पताल। हजारों समर्थकों की भीड़ के बीच से मुंबई के मौलाना अजहरी को 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर जूनागढ़ ले गई गुजरात पुलिस। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुजरात पुलिस ने रविवार को मुंबई से इस्लामिक उपदेशक मौलाना सलमान अजहरी को किया था गिरफ्तार, जिसके बाद घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर उमड़ी थी समर्थकों की भीड़। मुंबई की सड़कें भी हो गई थी जैम। गुजरात के जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के मामले में गुजरात पुलिस की गिरफ्त में आए इस्लामी उपदेशक मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर उमड़ी भीड़ के खिलाफ पुलिस का कड़ा एक्शन। आईपीसी की धारा 353, 332, 333, 341, 336 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज। मौलाना सलमान अजहरी के सैकड़ों समर्थक ने उनकी तत्काल रिहाई की मांग करते हुए घाटकोपर पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर किया बवाल। महाराष्ट्र सरकार ने भारत रत्न लता मंगेशकर इंटरनेशनल म्यूजिक कॉलेज और म्यूजियम बनाने के लिए मंजूर की 210 करोड़ रुपए की निधि। बीते साल महाराष्ट्र की पिछली यानी उद्धव ठाकरे सरकार ने लता मंगेशकर को सम्मान देने के मकसद से म्यूजिक कॉलेज और म्यूजियम बनाने का पारित किया था प्रस्ताव। अब राज्य की शिंदे सरकार ने मंजूर की निधि। मुंबई में जल्द तैयार किया जाएगा लता मंगेशकर के नाम से अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं लहसुन के दाम। बाजारों में 400 रुपए प्रति किलो तक पहुंची कीमत। अगले कुछ दिनों तक कीमतों में और इजाफा होने की जताई जा रही है आशंका। दरअसल राजस्थान और गुजरात से लहसुन की आवक हुई कम, जिसके चलते कीमतों में हो रहा है इजाफा। कुछ महीने पहले भी महाराष्ट्र में बढ़ गए थे लहसुन के दाम। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। 4 साल बाद रेलवे में होने जा रही है भर्तियां। दरअसल रेलवे की तरफ से जारी की गई है साल 2024 में होने वाली भर्तियों की परीक्षा से संबंधित सूचना। रेलवे वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक इस साल 4 बार होगी रेलवे में भर्ती की परीक्षा। असिस्टेंट लोको पायलट से लेकर टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी और पैरामेडिकल के पदों पर होगी भर्ती। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर तमाम जानकारियां। आरबीआई की सख्ती के बाद इन दिनों भारी संकट के दौर से गुजर रही है ऑनलाइन पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनी पेटीएम। बैंकिंग शाखा पर बैन लगाए जाने के बाद से कंपनी के शेयरों में आई जोरदार गिरावट। महज 3 दिनों में 43% तक टूटे शेयर। संकट के बावजूद भी पेटीएम ने न केवल अपने यूजर्स को बल्कि कंपनी के कर्मचारियों को भी दिलाया भरोसा और चिंता न करने की कही बात। कंपनी के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि जल्द ही सुलझा लिया जाएगा ये मामला और कंपनी में नहीं होगी किसी प्रकार की कोई छटनी। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद काशी और मथुरा को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज का बड़ा बयान। कहा, मथुरा, काशी, अयोध्या ये तीनों मंदिर मिल जाने के बाद हम नहीं देखेंगे किसी मस्जिद की ओर। पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा, काशी और मथुरा के धार्मिक स्थलों के शांति से मिल जाने के बाद छोड़ दिया जाएगा अन्य सभी मंदिरों का मुद्दा। नागपुर में लगाए गए प्रधानमंत्री के बैनर को नुकसान पहुंचाने वाले यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कुणाल राउत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरअसल कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री नितिन राउत के बेटे हैं कुणाल। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने पुलिस थाने में जमकर की नारेबाजी और पुलिस कार्रवाई का किया विरोध। दरअसल विकसित भारत संकल्प यात्रा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नागपुर जिला परिषद कार्यालय में लगाया गया था बड़ा बैनर, जिस पर लिखा गया था मोदी सरकार की गारंटी। इस पोस्टर पर यूथ कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष कुणाल राउत और उनके सहयोगियों ने पोत दी थी कालिख। कोकण में चुनाव प्रचार कर रहे शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राजापुर में रैली को किया संबोधित। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस और केंद्र की मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने कभी नहीं माना अपना दुश्मन, लेकिन उन्होंने मेरे साथ दुश्मनों जैसा सलूक करते हुए खुद से किया दूर और मुझे मानते हैं अपना दुश्मन। अदालत की इजाजत लेने के बाद भी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह नहीं ले सके राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ। दरअसल राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को सांसद के तौर पर शपथ लेने की अनुमति देने से किया इनकार। विशेषाधिकार समिति के पास मामला होने का हवाला देकर अनुमति देने से किया इनकार। केंद्र सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए सोमवार को संसद में पेश किया नया विधेयक। विधेयक के पास होने के बाद बनेगा परीक्षा में गड़बड़ी रोकने का कड़ा कानून और पेपर लीक होने पर भी लगेगी नकेल। विधेयक में अपराध के लिए 1 साल से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख रुपए के जुर्माने का किया गया है प्रावधान।
झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विधानसभा में हासिल किया बहुमत। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की हुई कोशिश। सीएम चंपई ने कहा कि हेमंत सोरेन पर झूठे आरोप लगाकर बहुमत की सरकार गिराने का किया गया प्रयास। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला उठाते हुए कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने कहा, यह है बदले की राजनीति। विश्वास प्रस्ताव के दौरान विधानसभा में भावुक हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। विक्टिम कार्ड खेलते हुए कहा, मैं आंसू नहीं बहाऊंगा क्योंकि दलित और आदिवासियों के आंसुओं का नहीं होता कोई मोल। हेमंत सोरेन ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी गिरफ्तारी की पटकथा पहले से ही लिखी जा रही थी और इसमें राजभवन भी है शामिल। उन्होंने दावा किया कि यदि मेरे खिलाफ एक भी दस्तावेज दिखा दे तो मैं राजनीति से संन्यास लेकर छोड़ दूंगा झारखंड। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ के लिए दिए गए 25,000 करोड़ रुपए, यूपी को 24,000 करोड़ की नई परियोजनाओं की भी मिली सौगात। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा, पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को किया लागू और हमारी नीतियां विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों के उत्थान के लिए है समर्पित। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रीदेवी की मौत मामले में सनसनीखेज दावे करने वाली यूट्यूबर दीप्ति पिन्निति और स्वयंभू पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। जांच एजेंसी ने दोनों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। कहा, आरोपियों ने एक्ट्रेस की मौत के संबंध में यूट्यूब पर वीडियो पोस्ट कर अपने दावे के समर्थन में पोस्ट किए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्तियों के फर्जी पत्र। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में क्रिकेट खेलने के दौरान हुई बहस के बाद तीन लोगों ने मिलकर की एक 24 साल के युवक की पत्थर से मारकर हत्या। पुलिस के मुताबिक मैच के दौरान नो बॉल को लेकर शुरू हुआ था विवाद, जिसके बाद आरोपियों ने युवक पर पत्थर से कर दिया हमला। हमले में कथित युवक ने मौके पर ही तोड़ा दम। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के बहुचर्चित कोपर्डी गैंगरेप और मर्डर केस में फांसी की सजा पाए आरोपी की मौत के मामले में मुंबई हाईकोर्ट हुआ सख्त। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई के दौरान जेल के जिम्मेदार अधिकारियों को हाजिर रहने का दिया निर्देश। सितंबर 2023 में पुणे की येरवडा जेल में बंद हत्या और दुष्कर्म के आरोपी पप्पू शिंदे ने फांसी लगाकर कर ली थी आत्महत्या। उल्लासनगर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक द्वारा की गई गोलीबारी के बाद हरकत में आई पुलिस। ठाणे पुलिस अब बंदूक का लाइसेंस रखने वालों की करेगी जांच। पुलिस के मुताबिक ठाणे जिले में अब तक लगभग 4,000 लोगों के पास है बंदूक का लाइसेंस। पालघर जिले के वसई में बंद पड़े घर में तीन लोगों के शव मिलने से मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी लोगों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया सरकारी अस्पताल। घर के अंदर गैस लीक होने की वजह से मौत होने की जताई जा रही है आशंका। जांच में जुटी पुलिस। अवैध गुटखा तस्करों के खिलाफ नंदूरबार जिले की शहादा पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक ट्रक से बरामद किया 14 लाख रुपए की कीमत का अवैध गुटखा। पुलिस ने बताया कि गुजरात से तस्करी कर शहादा रोड के रास्ते छत्तीसगढ़ ले जाया जा रहा था अवैध गुटखा। विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने तोड़ा बेसबॉल का घमंड। अश्विन और बुमराह के सामने ढेर हुए अंग्रेज। भारत ने इंग्लैंड को 106 रनों से किया पराजित। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने टेस्ट सीरीज में की 1-1 की बराबरी। बुमराह ने मैच की दोनों पारियों में लिए कुल 9 विकेट। ग्रैमी अवार्ड में भारतीयों ने लहराया जीत का परचम। रविवार को लॉस एंजलिस में हुए 66वें ग्रैमी पुरस्कार में भारत ने 4 अवार्ड किए अपने नाम। सिंगर शंकर महादेवन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, संगीतकार सेल्वा गणेश, विनायक राम और तबला वादक जाकिर हुसैन ने जीता ग्रैमी पुरस्कार। आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले आतंकी गतिविधियां हुई तेज। यहां के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पुलिस स्टेशन पर हुआ आतंकी हमला। देर रात हुए हमले में 10 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर, जबकि 6 लोग घायल। सभी घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य चिली के जंगलों में लगी आग ने दिखाया अपना रौद्र रूप। आग की चपेट में आने से 1600 घर हुए तबाह, वहीं 99 लोगों की हो चुकी है मौत। अधिकारियों के मुताबिक बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे 19 हेलीकॉप्टर और 450 से अधिक दमकल कर्मी। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।